ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। 1.5 जी, 1.5 की जो स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट्स मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एल गिवन 100 सेंटीमीटर, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस गिवन 40.2 सेकंड, लेंथ वाज मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर एंड टाइम बाय स्टॉप वॉच ऑफ एक्यूरेसी अप टू 0.1 सेकंड। बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, सबसे टाइम उसने जो हमें जो चीजें गिवन है वो लिखते हैं सबसे पहले। इट्स अ क्वाइट लेंथी न्यूमेरिकल टी जी, हमें जो गिवन है टी इक्वल्स 2 पाई इंटू एल ओवर जी अंडर रूट। ठीक है जी, और क्या क्या गिवन जी, हमें लेंथ दी गई है पेंडुलम की, दूसरी तीसरी चीज दी गई है जी हमें टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस, वो दिया गया हमें 40.2 सेकंड्स। अच्छा जी, लेंथ हमें दी गई 100 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया गया जी, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन दिया गया है, और लीस्ट काउंट आप कह लें वो हमें लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ जी, लीस्ट काउंट जो है लेंथ का जो स्केल का दिया गया है वो दिया गया है 1 मिलीमीटर जी। लीस्ट काउंट हमें दिया गया है, लीस्ट काउंट हमें किसका दिया गया है, स्केल का जिससे हम लेंथ मेजर की है, वो हम लिखेंगे वो है 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कंटेन 10 मिली। हाँ जी, और क्या गिवन है जी हमें, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच वो दिया गया 0.1 सेकंड। हाँ जी, और हमें क्या गिवन है जी, ये इंफॉर्मेशन है जी हमारे पास सारी, इसी को यूज करके हमने जी निकालना है, जी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब बच्चों जी निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूला को थोड़ा रीअरेंज करते हैं, दोनों तरफ स्क्वेयर लेंगे, ठीक है, इधर भी ये एल ओवर जी हो जाएगा, तो जी निकालना है यहां से, दोनों तरफ हमने इस फॉर्मूले का क्या लेना है, स्क्वेयर। ठीक है, स्क्वेयरिंग करने के बाद जी निकालना है, तो जी इक्वल आ जाएगा टी स्क्वेयर, ठीक है, इंटू ये आ जाएगा फॉर्मूला फोर, बल्कि इसको रीअरेंज करना है, ये टी इसकी जगह पे आ जाएगा, जी इधर आ गया, टी इसके इधर जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि टी स्क्वायर नीचे ले गया डिनोमिनेटर में, जी को उसकी जगह पे ले आए जी। इसको अब सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये तो हम इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे ये तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले यही काम करते हैं कि इसको पहले सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज निकलती है वो निकाल लें। जी इक्वल आ जाएगा 4 वैसे ही, पाई हमारे पास 3.14 इसका स्क्वायर, एल लेंथ है हमारे पास, तो बच्चों लेंथ यूज करते हैं। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में दी गई है, इसको मीटर में करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर आ जाएगी। ठीक है, इसलिए यहां पे लिखेंगे 1 ओवर टी हमें दिया गया जी टाइम। अच्छा बच्चों, यहाँ पे टाइम जो दिया गया है वो है 20 वाइब्रेशन के लिए। ठीक है, फॉर 1 वाइब्रेशन के लिए अगर हम निकालना चाहें टाइम फॉर 1 वाइब्रेशन, तो बच्चों वो हमारे पास क्या होगा, इसे डिवाइड कर देंगे 20 पे, 40.2 डिवाइड बाय 20। ठीक है जी, इसे हमने 20 पे डिवाइड करना है, जब 20 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर आता है 0.2.01 सेकंड। ठीक है, ये टाइम आ जाता है फॉर द 1 वाइब्रेशन। ठीक है, अब क्योंकि हमने 1 वाइब्रेशन के लिए टाइम यहां पे यूज करना था, इसलिए हमें वो करना पड़ा 2.01 इसका स्क्वायर ले लेंगे। बच्चों जब इसकी जी की वैल्यू निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करना है कैसे, इसका स्क्वायर लेना 3.14 का 4 से मल्टीप्लाई, 1 तो वैसे ही है, मल्टीप्लाई करने का कोई फैक्ट नहीं है, और 2.01 का स्क्वायर के साथ से क्या कर देना है, हमने इसे डिवाइड करना, तो हमारे पास टाइम जो जी की वैल्यू आ जाती है 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास जी की वैल्यू आ जाती है। अब हमने इसमें करेक्शन करनी है, इसकी एक्यूरेसी निकालनी है, प्रिसिशन इसमें से निकालनी है कि प्रीसाइज वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी आती है। तो उस सब के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे अनसर्टेनिटी, जो हमने एक्यूरेसी टोटल एक्यूरेसी हमने की थी, टोटल असेसमेंट के अंदर जो हमने एक्यूरेट वैल्यू निकाली थी, प्रिसाइज वैल्यू निकाली थी, उसके लिए हम वही फार्मूला जो है हम यूज करेंगे इसके अंदर। तो मैं ये साफ करने लगा हूं,
जी सबसे पहले हम एक्यूरेसी निकालते हैं लेंथ के लिए, फिर हम यानी कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है हम निकालेंगे किसके लिए, क्योंकि उतनी परसेंट उसमें से हमने डिटेक्ट करनी है। हम लेंथ के लिए निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे टाइम के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ। अच्छा, इससे पहले जो है अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात करें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ, वो बच्चों होती है लीस्ट काउंट के इक्वल, ठीक है। तो लीस्ट काउंट हमें पता है वो 0.1 सेंटीमीटर था, किसके लिए, लेंथ के लिए। इसी तरह इसकी अगर परसेंटेज निकालें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, वो हमारे पास क्या होगी, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय जो हमारे पास टाइम आया है, ठीक है। टाइम हमारे पास फॉर वन वाइब्रेशन जो था उसको अगर हम देख लें, वो निकाल सकते हैं, वो तो टाइम के लिए था, लेंथ की बात करते हैं। लेंथ हमारे पास कितनी थी, वन थी, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर के लिए था ना, तो सेंटीमीटर ही हम लिखेंगे, ये परसेंटेज भी हो जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.1%, ठीक है। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ गई लेंथ की परसेंटेज। इसी तरह एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम, वो भी बच्चों इसके लीस्ट काउंट के इक्वल होगी टाइम के, उसने दिया हुआ था 0.1 सेकंड स्टॉप वॉच का। इसी तरह हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, तो वो अब हम देख लेते हैं 0.1। और अच्छा, इसको निकालने के लिए ये टोटल हमारे पास टाइम दिया गया था वो था 20 वाइब्रेशंस के लिए, ठीक है। जबकि सबसे पहले हम लीस्ट काउंट जो है 20 वाइब्रेशंस के लिए निकाल लेते हैं। यहां पे अनसर्टेनिटी जो है अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग टाइम जो है वो अगर देख लें तो वो होगी 0.1 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो आ जाएगा 0.005, ये बच्चों एक सेकंड के लिए नहीं है, 0.005 सेकंड। अच्छा, ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी टाइम के लिए, उसके लिए वो 0.1 दी गई थी एक सेकंड के लिए, एक वाइब्रेशन के लिए, जबकि यहां पे हमारे पास जो वाइब्रेशन थी वो 20 थी, तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.1 डिवाइड बाय 20 होगा, फिर जाके हमें अनसर्टेनिटी आती, वो होती है 0.005 सेकंड, ठीक है। अब हम इसकी निकालते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए अब हम 0.1 यूज नहीं करेंगे, अब हम यूज करेंगे 0.005 सेकंड जी। तो चूंकि ये हमारे पास जो 0.1 सेकंड दिया गया था बच्चों, वो दिया गया था फॉर वन वाइब्रेशन, क्योंकि यहां पे जो लीस्ट काउंट जो स्टॉप वॉच का था वो वन वाइब्रेशन के लिए था, यहां पे हमारे पास 20 वाइब्रेशंस हैं, तो टोटल हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम है वो हमारे पास क्या आएगा, 0.1 डिवाइड बाय 20, 0.005। इसी के लिहाज से हमने परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज 0.005, और जो हमने वन वाइब्रेशन के लिए टाइम निकाला हुआ है 2.01, क्योंकि वन वाइब्रेशन के ले रहे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.01, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में चली जाएगी, तो ये कितने परसेंट आता है हमारे पास 0.25, इसको जब कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो आता है 0.25%। ये आ गया हमारे पास 0.1% लेंथ के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और इसके अंदर आ गया 0.25, ठीक है। अब बच्चों, अब अनसर्टेनिटी जो टोटल अनसर्टेनिटी इन जी आएगी वो डिपेंड करती है दो चीजों पे, एक लेंथ पे और दूसरा किस पे, टाइम पे। लेंथ के लिए अगर आप देखो तो इसकी पावर 1 नहीं है, टाइम के लिए इसकी कितनी पावर आ रही है, 2। हमने जब टोटल असेसमेंट अनसर्टेनिटी की थी उसमें हमने रूल पढ़ा था कि जितने उसकी एक्सपोनेंट होगा उसी से उसे मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम निकालने जा रहे हैं टोटल अनसर्टेनिटी। तो टोटल अनसर्टेनिटी फॉर जी, हमारे पास जी के लिए टोटल अनसर्टेनिटी वो देखते हैं क्या होगी, हमारे पास वो होगी 2 मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ।
इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो टोटल अनसर्टेनिटी फॉर जी आ जाएगा. टू को मल्टीप्लाई करना है टाइम के साथ, उसकी परसेंटेज के साथ, अनसर्टेनिटी परसेंटेज के साथ, और लेंथ ही वैसे आएगी क्योंकि उसका एक्सपोनेंट जो है पावर जो है वो वन है. तो बच्चों इन दोनों को जब करते हैं तो जी की हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आ जाती है इसकी टोटल जी की जो अनसर्टेनिटी है वो निकालने लगे. इट इंप्लाइज दैट तो टोटल अनसर्टेनिटी फॉर जी टू मल्टीप्लाई टाइम के लिए जो हमने अनसर्टेनिटी निकाली है जी बच्चों वो क्या आई है 0.025% प्लस लेंथ के लिए हमारे पास कितनी आई थी 0.1% ठीक है. अब इन दोनों को हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है ठीक है. इनको जब हम ऐड करेंगे तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या आती है, 2 से इसे मल्टीप्लाई किया और 0.1 ऐड किया तो हमारे पास 0.6% कितनी आ जाएगी टोटल अनसर्टेनिटी 0.6%. अब हमने 0.6% कितना इसका निकलता वो निकालना है. उसकी जो टोटल एक्चुअल वैल्यू आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जो जी की वो इसमें प्लस माइनस करके हमारा एक्यूरेट प्रिसिशन तक जो है वो रिजल्ट आ जाएगा. अब हम निकालने जा रहे हैं 0.6% ऑफ 9.76. उसके लिए जी बच्चों तो वैल्यू ऑफ जी विद 0.6% कितनी बनती है 0.6 ठीक है. इसे क्या करना है हमने मल्टीप्लाई 0.6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9.76. तो इसको जब हमने 0.6 को डिवाइड किया किस पे 100 पे 9.6 मल्टीप्लाई किया 0.06 जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतनी जो है उसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी यानी इतनी वैल्यू जो है लीस एक्यूरेट आ रही है. सो फाइनल वैल्यू हमारे पास फाइनल वैल्यू ऑफ जी क्या होगी 9.76 प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो बच्चों इस तरह जो है आपने ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना है कि 0.6 का आपने निकालने उसकी कितने परसेंट बनता है वो 0.06 बनता है जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है. और एंड पे आपने फाइनल वैल्यू में इसे प्लस या माइनस कर देना है.